Hi everybody, I'm Ambika. I'll be explaining vital signs today, everything you need to know about vital signs. I'll explain both in English and Hindi so that all of you can follow me. Some may not be understanding English, so that will be helpful for them. So welcome to the class today. I have posted some of the videos of earlier classes and I'll be posting the further classes also. So subscribe my channel so that you can follow all my classes. You'll get notification. So vital signs, they are governed by vital organs and reveal even the slightest deviations from the normal body function. Vital signs बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस है क्योंकि बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स का फंक्शंस डिनोट करते हो और छोटा से भी डिविएशन है नॉर्मल फंक्शन से वाइटल साइन चेक करने से उसको उससे पता चल जाते हैं. इट हेल्प्स टू डिटेक्ट चेंजेस इन पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस. पेशेंट का हेल्थ स्टेटस में कोई भी चेंज है तो डिटेक्ट करने के लिए वाइटल साइंस हेल्प करते हैं. देन इट विल हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर. डिजीज का फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ट्रीटमेंट देना है या किस लाइन में जाना है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इन सब का आइडिया देता है और नर्सिंग केयर क्या देना है इसका भी आइडिया मिल जाती है वाइटल साइन से. इवन इमोशनल स्टेट कैन कॉज वेरिएशन इन वाइटल साइंस. इमोशनली अपसेट है पेशेंट उसमें भी वाइटल साइंस में चेंजेस है. सो यू कैन थिंक इन दैट वे ऑल्सो वेन ए पेशेंट हैज ए डिविएशन इन वाइटल साइन में कोई डिविएशन है तो आप हर लेवल पे पता लगा सकते हैं उसको किस वजह से हो सकता है. फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करते हैं वाइटल साइंस. नाउ द वाइटल साइंस इंक्लूड टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी. रिसेंटली ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पेन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वाइटल साइनस signs as fifth and sixth signs, but we will be discussing here the first four vital signs. So vital signs kon kon si hoti hai? Temperature, pulse, respiration and blood pressure. Recently log jo hai oxygen saturation or pain isko bhi fifth and sixth vital signs main load kiya hua, lekin hum log aaj जो है पहले जो फोर है टीपीआर एंड बीपी इसी को डिस्कस करेंगे आज. फर्स्ट वील गो टू द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर के बारे में देख पर्पस का मतलब है क्यों ले रहे टेम्परेचर. व्हेन वी आर टेकिंग द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट. व्हेन ए न्यू पेशेंट कम फॉर मेडिकल हेल्प. मेडिकल चेकअप के लिए कोई भी पेशेंट सबसे पहले जब आते हैं उसको वाइटल्स लिया जाता है एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर पेशेंट केयर इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट है उसको रेगुलरली वाइटल साइंस चेक किया जाता है. देन बिफोर एंड आफ्टर हॉस्पिटल प्रोसीजर्स लाइक इन्वेस्टिगेशन, सर्जरी, सम मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेट्रा. कोई स्पेशल प्रोसीजर कर रहे पेशेंट को उसके पहले और करने के बाद भी टेम्परेचर और बाकी साइंस वाइटल साइंस लिया जाता है. जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो, सर्जरी करने के लिए पेशेंट जा रहे हो, उसका वाइटल जरूर देखा जाता है. देन कुछ मेडिकेशन देने के पहले और उसके बाद भी वाइटल्स चेक करते हैं. देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ये सारे. इसके अलावा भी कई सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह. आई एम नॉट गोइंग टू नेम एवरीथिंग, बट कोई स्पेशल प्रोसीजर कर रहे हो तो उसमें वाइटल्स चेक किया जाता है. देन एज एन असेसमेंट स्ट्रैटेजी पेशेंट को असेस करने के लिए वाइटल्स चेक करते हैं. देन व्हेन पेशेंट कंप्लेंस न्यू प्रॉब्लम. कोई पेशेंट एडमिट है वो या पेशेंट ट्रीटमेंट में है वो नया प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो भी वाइटल साइंस चेक करते हैं. देन टू ऑब्टेन बेसलाइन डाटा. बेसिक जो पेशेंट का इंफॉर्मेशन है उसको बेसलाइन डाटा कहते हैं. उसको कलेक्ट करने के टाइम में वाइटल्स लिया जाता है. Temperature control. Hypothalamus. Body temperature is the degree of body heat at a given time.
कितने डिग्री हीट है बॉडी में उसको बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। ब्रेन में हाइपोथैलेमस करके एक ऑर्गन है, पिक्चर में आपको दिखाई देगा। ब्रेन है, ब्रेन के बीच में थोड़ा सा ये ऑरेंज ऑरेंज कलर में ये दिख रहा है, दैट इज हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर यूजली रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यूजली इंसान का बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। ठंडी के मौसम में थोड़ा ठंडा रह सकता है आपका स्किन वगैरह, लेकिन जो कोर टेम्परेचर है बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर वो नॉर्मली कॉन्स्टेंट रहता है, सेम रहता है। टू काइंड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर, देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट वन इज कोर बॉडी टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज सर्फस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर इट इज द टेम्परेचर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। आपको बॉडी का डीपली जाएगा, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उसके उसमें जो टेम्परेचर है दैट इज कोर बॉडी टेम्परेचर। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, 37 डिग्री में ही रहता है वो कोर टेम्परेचर। बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो ऑर्गन्स है उसका टेम्परेचर है कोर बॉडी टेम्परेचर। देन सरफेस बॉडी टेम्परेचर कहाँ की होती है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैट सेल। स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और फैट लेयर तक जो टेम्परेचर है उसको कहते हैं सरफेस बॉडी टेम्परेचर। सरफेस बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, क्लाइमेट के हिसाब से वो चेंज हो सकता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सो इट राइजेस एंड फॉल्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, डजंट इंडिकेट इंटरनल फिजियोलॉजी। सो इंटरनल फिजियोलॉजी वो इंडिकेट नहीं करता, उसका टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो हमेशा सेम रहता है। नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन डिग्री फारेनहाइट दैट इज एफ और डिग्री सेल्सियस दैट इज सी। ओके, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इन फारेनहाइट इज 98.6 डिग्री फारेनहाइट, एफ मीन्स फारेनहाइट है। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री होता है और सेंटीग्रेड में, और फारेनहाइट में 98.6 डिग्री है इसको माना जाता है नॉर्मल, लेकिन वो एक रेंज में रहता है, इसी में रहना जरूरी नहीं हमेशा। सो रेंज क्या है, इन एडल्ट्स द एवरेज बॉडी टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 97 डिग्री टू 99 डिग्री फारेनहाइट। 97 डिग्री फारेनहाइट से 99 डिग्री फारेनहाइट का रेंज में रहता है वो नॉर्मल ही है। या सेंटीग्रेड में बताया था 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज कंसिडर्स द नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन ए एडल्ट पर्सन। फारेनहाइट टू सेल्सियस, इफ यू हैव टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस यू कैन कन्वर्ट इन टू फारेनहाइट और वाइस वर्सा बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, C equal to F minus 32 into 5 by 9. अगर आपके पास फारेनहाइट का टेम्परेचर है उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, C equal to F minus 32 into 5 by 9. सो F की जगह आप बॉडी टेम्परेचर लिखो फारेनहाइट में और इसको कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा C सेंटीग्रेड में। अगर आपके पास फारेनहाइट का टेम्परेचर है उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करनी है तो फॉर्मूला है C इंटू 9/5 प्लस 32। सी मीन्स सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में आपके पास जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे ये फॉर्मूला में अप्लाई करके आपको कैलकुलेट करने हैं तो आपको मिल जाएगी तो नॉर्मल फारेनहाइट टेम्परेचर। देन वेयर एफ इज द टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट एंड सी इज इट इन डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वी विल सी द मेजरमेंट ऑफ द body temperature. Body temperature can be measured in many ways: oral, axillary, rectal, oral that is tympanic membrane and forehead. These are the areas where you can measure temperature easily. Now we will see the oral measurement of temperature. First we will see the oral measurement of temperature. First is mercury thermometer. In that, place the clean thermometer under the tongue for 2 minutes.
Reading is taken by watching mercury level in the thermometer by holding it horizontally at the eye level. They provide accurate temperature readings and can be used orally, rectally, or under the arm, that is axilla. So mercury thermometer jo hai clean karke usko tongue ke niche rakhna 2 minute ke liye. Reading lene ke liye usko nikal ke wipe karke thermometer ka eye level mein horizontally pakadna hai usko. Uske baad kitne mercury column kahan tak pahunch gaya ये देखना आपको, दैट इज द टेम्परेचर दैट पेशेंट. ये टेम्परेचर यूजुअली एक्यूरेट होती है. ये ओरल यूज ओरली टेम्परेचर लेने के लिए रेक्टली एंड अंडर द आर्म और द एक्सिलरी टेम्परेचर कैन बी टेकन बाय मर्करी थर्मोमीटर्स. हियर यू कैन सी द टेम्परेचर थर्मोमीटर. द फर्स्ट वन इज थर्मोमीटर प्लेसिंग अंडर द टंग एंड सेकेंड वन इज ए मर्करी glass thermometer. The thermometer has a bulb, neck and stem. This is the bulb, this portion. This is bulb, this is neck and this is the stem. Okay. So these are the parts of a thermometer and this is a digital thermometer. Digital thermometer placing under the tongue for taking temperature. So these oral thermometers are not used for very young children, mentally ill patients, any oral lesions if they have or any surgery in the oral cavity. Then digital thermometer. It is very easy to use. Clean it and place it under the tongue. Wait until the beep sound or the flashes light appear, then remove it. Reading is displayed on the screen at the side of the thermometer. ये बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना. डिजिटल थर्मोमीटर को इसको क्लीन करना, क्लीन करके टंग के नीचे रखना और वेट करना जब तक उसका साउंड नहीं आया, बीप साउंड आएगा या फिर फ्लैशेस ऑफ लाइट आ जाएगा. वो आ गया तो उसको निकालना और उसको रीडिंग कर सकते हैं आप. क्लीन करके उसको वाइप करके यू कैन रीड इट. रीडिंग कहाँ मिलेगा, साइड में उसका स्क्रीन होगा, वहां पे डिस्प्ले होगा कितने टेम्परेचर है, वो आप नोट कर लेना. हियर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल थर्मोमीटर. और ओरल थर्मोमीटर द बल्ब इज लिटिल लॉन्गर एंड द रेक्टल थर्मोमीटर बल्ब इज राउंडेड. ओके. So this one is rectal. I am writing here R. And this is oral. Take. ठीक है. This is oral. So rectal thermometer is used in a decreasing trend, but it is still the preferred method for taking temperature of infants. Rectal thermometer इतना use नहीं होता आजकल, लेकिन जो बच्चों का, छोटे बच्चों का, infants का temperature लेने के लिए आज भी rectal thermometer is the best. So non-mercury thermometers. There are non-mercury thermometers. This is new technology. Newer technologies include non-mercury liquid in glass as well as digital and electronic devices that use sensors to measure temperature. So non-mercury thermometers may liquid use karte hain jaise alcohol hai. डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और भी है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट यूज सेंसर्स टू मेजर टेम्परेचर. इसे सेंसर यूज करके टेम्परेचर मेजर करते हैं. इसमें स्पिरिट थर्मोमीटर यूज है नॉन टॉक्सिक अल्कोहल इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी टू रजिस्टर द टेम्परेचर. स्पिरिट थर्मोमीटर्स है उसमें नॉन टॉक्सिक अल्कोहल यूज करते हैं मर्क्यूरी की जगह. सो इसी तरह नॉन मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स भी अवेलेबल है मार्केट में. दिस इज द पिक्चर ऑफ ए नॉन मर्क्यूरी थर्मोमीटर बट इट लुक्स लाइक एक्सैक्टली द मर्क्यूरी थर्मोमीटर बट द लिक्विड कलर में भी डिफरेंट. इट हैज द सेम स्ट्रक्चर जैस बल्ब देन कैलिब्रेशंस एक्सेट्रा. सो दिस इज ए नॉन मर्क्यूरी थर्मोमीटर.
Now we will see the rectal temperature, how to measure the rectal temperature. Rectal temperature is also suitable for small children. Chote bachon ke liye rectal thermometer suitable hota hai. It is 0.5 degree centigrade or 1 degree Fahrenheit more than oral temperature. So deduct this amounts from the actual reading to get accurate reading. Not suitable for patients with the diarrheal diseases, surgery, heart diseases, because it will stimulate the nerves, vagus nerve, and cause arrhythmia. And also very active children. So rectal temperature chote bachon ke liye infant vagaira ke liye use karne ke liye acha hai, bahut hi acha hai. Jaise 0.5 degree se zyada rehta rectal temperature या 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री फारेनहाइट मोर देन ओरल टेम्परेचर. सो इसको रेक्टल टेम्परेचर लेके 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री फारेनहाइट माइनस करना है, तभी तो ओरल टेम्परेचर के बराबर होगा या नॉर्मल टेम्परेचर एक्यूरेट रीडिंग होगा उसका. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर पेशेंट्स विद डायरिया. डायरिया जो अगर है तो रेक्टल टेम्परेचर नहीं ले सकते आप. सर्जरी हो रही है, कोई हार्ट डिसीज पेशेंट है जिसको वैगस ने उसको स्टिमुलेट कर देते, वो तो अरिथमियास हो सकता है. सो उसको नहीं यूज करते. एंड ऑल्सो वेरी एक्टिव चिल्ड्रन, बहुत ही एक्टिव चिल्ड्रन है तो वो रखने नहीं देंगे या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसको भी यूज नहीं करता ये रेक्टल थर्मोमीटर. Now the axillary method of taking temperature. Axillary temperature is suitable for small children and those who are not suitable for oral method. Axillary temperature is 0.5 degree centigrade or 1 degree Fahrenheit less than the oral temperature. Add 0.5 degree or 1 degree Fahrenheit to the actual reading to get an accurate temperature. तो एक्सलेट टेम्परेचर जो है छोटे बच्चों के लिए और जिसको ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते उसके लिए सूटेबल है. एक्सलेट टेम्परेचर इज 0.5 डिग्री लेस देन द ओरल टेम्परेचर. ओरल टेम्परेचर से वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री फारेनहाइट कम है, तो ये अमाउंट जो है इस 0.5 डिग्री एक्चुअल जो टेम्परेचर रीडिंग मिलता है उसमें ऐड करना है. उसके बाद आपको एक्यूरेट करेक्ट टेम्परेचर मिलेगा. पेशेंट्स विद एनी अल्सर्स rashes, surgery or and off and drum are avoided. And axilla ulcer hai, rashes hai, surgery ho rakhi hai, aise koi problem hai, koi bhi medical ya surgical conditions hai axilla mein, to uska axillary temperature nahi le sakta. Ya kuch patients bahut zyada pasine hota hai, perspiration hota hai, uska bhi accurate reading नहीं मिलेगा. सो ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट कैटेगरी इज डिजिटल थर्मामीटर. डिजिटल थर्मामीटर्स वर्क बाय यूजिंग हीट सेंसर्स दैट डिटरमिन बॉडी टेम्परेचर. इसमें हीट सेंसर रिक्वायर्स वो जो है बॉडी का हीट कितने पता लगा देते हैं. दे कैन बी यूज टू टेक टेम्परेचर रीडिंग्स इन द माउथ, रेक्टम और एक्सिला. ये तीनों जगह यूज कर सकते हैं डिजिटल थर्मामीटर्स, माउथ, रेक्टम एंड एक्सिला में. Another group of thermometers are infrared thermometers. You will see which are they. Next is oral or tympanic membrane thermometers. Tympanic thermometers can be placed in the auditory canal. They use a lens to focus the infrared radiation from an object onto sensor that measures it. In the ear, the energy radiating from the blood vessels in the tympanic membrane. So, tympanic thermometer ऑडिटर के नाल में रखते हैं. वो टिम्बानिक मेम्ब्रेन में जो ब्लड वेसल है उसमें से क्या कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन आती है, उसको ये इंफ्रारेड रेडिएशन को सेंसर में फोकस करके सेंसर जो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देते हैं और आपको रीडिंग मिल जाता है. दैट इज व्हाट इज बीइंग डन इन द टिम्बानिक मेम्ब्रेन और दैट इज हाउ इट वर्क्स. Most oral thermometers record temperature in less than 2 seconds, very fast. Not suitable for patients with ear infections, earache, or any other disease conditions of the ear, hearing aid in the ear, and ear impacted with wax, etc.
ओरल जो थर्मामीटर है उसमें 2 सेकंड में जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, तो इट इज टाइम सेविंग। देन ये कोई ईयर इन्फेक्शन है, ईयर में कोई भी प्रॉब्लम हो, ईयर एड्स रखी हुई हो, वैक्स भरा हुआ ईयर के अंदर, या ये ऐसे पेशेंट्स को ये यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर। टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर में भी मोर एक्सपेंसिव दैन अदर टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर में भी लेस एक्यूरेट दैन अदर टाइप्स। डायरेक्ट सनलाइट, कोल्ड टेम्परेचर्स और एसवीटी फॉरहेड कैन अफेक्ट द टेम्परेचर रीडिंग। सो टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर जो है एक्सपेंसिव है, ज़्यादा कॉस्टली है वो। ये जो है इतना एक्यूरेसी भी नहीं है इसका। देन डायरेक्ट सनलाइट, कोल्ड टेम्परेचर्स और स्वेटी फॉरहेड। सनलाइट डायरेक्टली आ रहा है फॉरहेड में तो टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। जैसे अभी जो दिसंबर जनवरी का टेम्परेचर है कोल्ड है तो थोड़ा टेम्परेचर कम मिलेगा, या फिर स्वेटी फॉरहेड है तो इन सब में टेम्परेचर का वेरिएशन होने की चांसेस है। सो दिस इज नॉट दैट मच एक्यूरेट। फिर भी जो मास जो मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में उसको बहुत सारे लोगों को मेजर करना है तो ये फॉरहेड में दिखा के जल्दी जल्दी लोगों को मॉनिटरिंग कर सकते हैं टेम्परेचर का। ये जो थर्मामीटर है कलर कोड थर्मामीटर है, ये अलग अलग कलर आता है अलग टेम्परेचर के लिए। सो नॉन कॉन्टैक्ट बॉडी टेम्परेचर है इसमें भी। कॉन्टैक्ट जैसे कोरोना के टाइम में कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए, सो नॉन कॉन्टैक्ट बॉडी टेम्परेचर मेथड है। इसमें कलर कोडिंग दिया हुआ है अलग, 36.3, 37.3, 38.3, ऐसे अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग कलरिंग दिया हुआ, कलर कोडिंग दिया हुआ। तो जैसे कलर इसमें से आएगा, जैसे इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड मेजर द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आप कलर देख के आप बता सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस थर्मोमीटर। नेक्स्ट ग्रुप इज डिस्पोजेबल थर्मोमीटर्स। कुछ थर्मोमीटर्स ऐसे आते हैं जैसे पैचेस हैं, वो एक बार यूज करके डिस्पोज कर सकते हैं, तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू में वो अच्छा है। और क्या कहते हैं, कोरोना के टाइम में और पेशेंट को आइसोलेट करने के टाइम में ये एक बार यूज करो और डिस्पोज करो, दैट इज गुड। सो इसमें रीडिंग कलर चेंज हो जाता है, इसमें जो स्पॉट्स है हीट सेंसिटिव स्पॉट्स है वो कलर चेंज हो जाता है, तो कलर देख के उसमें से टेम्परेचर आप पता लगा सकते हैं कितना टेम्परेचर है। ये भी एक पिक्चर है डिस्पोजेबल थर्मोमीटर का, फॉरहेड है, टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर कहते हैं इसको, टैट, तो शॉर्ट फॉर्म में टैट कहते हैं। सो रिजल्ट्स आर नॉट कंपेरेबल टू ओरल टेम्परेचर एज इट रिकॉर्ड्स द कोर टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, उसका एवरेज टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल रेंज कितना है ये दिया हुआ है। ओरल टेम्परेचर 98.6 और उसका रेंज है 97.6 to 99.6। देन एक्सिलरी टेम्परेचर 97.6, इसमें जो है 96.6, 98.6 इसका रेंज है। रेक्टल टेम्परेचर 99.6 है नॉर्मल, उसका रेंज है 98.6 to 100.6। इसमें से 1 डिग्री कम करना है, ये फ़ारेनहाइट में है, सो इट शुड बी रिड्यूस्ड रेक्टल टेम्परेचर का, और एक्सिलरी टेम्परेचर का 1 डिग्री ऐड करनी है। तो 98.6 हो जाएगा, ये भी 98.6 हो जाएगा, 99.6 से 1 डिग्री कम किया तो। देन डिफाइनिंग मेम्ब्रेन थर्मामीटर एवरेज जो बॉडी टेम्परेचर है 98.6 है, टेम्पोरल आर्टरी भी 98.6 है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टेम्परेचर। नाउ वी विल गो टू द पल्स, नेक्स्ट सेकंड वाइटल साइन पल्स। टू द पर्पस ऑफ मेजरिंग पल्स, टू एस्टेब्लिश बेसलाइन डाटा कलेक्ट करने के लिए पल्स दिखता है। टू चेक अप नॉर्मलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, पल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई अबनॉर्मलिटी है कि नहीं पता लगाने के लिए। टू मॉनिटर एनी चेंज इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस में कोई चेंज है, अगर चेंज तो नहीं आया, ये देखने के लिए। देन टू असेस रेस्पॉन्स ऑफ हार्ट टू मेडिकेशंस, कोई मेडिकेशंस दे दिया उसका क्या रेस्पॉन्स है, उसमें कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए भी पल्स चेक किया जाता है।
then to check the peripheral circulation. Peripheral circulation को पता लगाने के लिए भी पल्स देखा जाता है. टू डिटरमिन द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट और एनी अदर अबनॉर्मलिटीज. हार्ट बीट्स कितने आ रहे हैं एक मिनट में और उसमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ये पता लगाने के लिए भी पल्स देखा जाता है. सो व्हाट इज पल्स? पल्स इज एक ऑल्टरनेट एक्सपांशन एंड रिकॉइलिंग ऑफ आर्टरी एज द वेव ऑफ ब्लड इज फोर्स थ्रू इट ड्यूरिंग ईच कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. पल्स क्या होता है? ऑल्टरनेटिवली ब्लड वेसल एक्सपैंड होते हैं और रिकॉइल होते हैं. इस वजह से इट इज बींग डन बिकॉज द फोर्स ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू इट ड्यूरिंग ईच कंट्रैक्शन. हार्ट कंट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम ब्लड एंटर्स इनटू द आयोटा. आयोटा से ब्लड जैसे बाहर आते वो फोर्सफुली फ्लो करने लगते हैं और उसके बाद हार्ट रिलैक्स होता है तो फोर्स थोड़ा कम हो जाता है. इस वजह से जो ब्लड वेसल है वो एक्सपैंड होते हैं और वो उसका वेट कम हो जाता है रिकॉइलिंग. और ये जो है एक आर्टरी से ब्लड एक वेव फॉर्म में फ्लो करने लगता है. सो यू कैन पाल्पेट इट एंड दैट इज कॉल्ड पल्स. इसको आप पाल्पेट करके जब मिलता है उसको दैट इज कॉल्ड पल्स. दैट इज देन इन मेडिसिन दूसरी डेफिनेशन है पल्स के. इन मेडिसिन है पल्स रिप्रेजेंट्स द टैक्टाइल आर्टेरियल पल्पेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल बाय ट्रेन फिंगर टिप्स. पल्स क्या होता है? इट इज टैक्टाइल आर्टेरियल पल्पेशन. टैक्टाइल मीन्स फिंगर से आप पाल्पेट करते उसको टैक्टाइल आर्टेरियल पल्पेशन कहते हैं. आर्टरी में फिंगर टिप्स से आप पाल्पेट करके जो आपको फीलिंग आती है वो या द फीलिंग यू गेट व्हाइल पाल्पेटिंग एन आर्टरी इज कॉल्ड पल्स. देन ईच पल्स रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीट कार्डियक साइकिल और वन हार्ट बीट. हर एक पल्स जो है एक हार्ट बीट होते हैं या एक हार्ट बीट को दूसरे नाम है कार्डियक साइकिल. वन कार्डियक साइकिल ए वन पल्स रिप्रेजेंट वन कार्डियक साइकिल और वन हार्ट बीट. नॉर्मल पल्स रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होते हैं. एक मिनट में 60 से 100 बीट्स कर देते हैं हार्ट. दैट इज द नॉर्मल पल्स रेट. देन मोर देन 100 बीट्स पर मिनट इज कंसिडर्ड टू बी टैकीकार्डिया. अगर 100 से भी ऊपर हो गया बहुत ज्यादा हार्ट बीट मिल रहा है या पल्स मिल रहा है तो उसको कहते हैं टैकीकार्डिया. देन बिलो 60 बीट्स पर मिनट इज टर्म्ड एज ब्राडीकार्डिया. बिलो 60 है तो उसको ब्राडीकार्डिया कहते हैं. हियर इन दिस स्लाइड वी विल सी द पल्स रेट इन डिफरेंट एज ग्रुप्स. बिफोर बर्थ दैट इज फिटस 140 टू 150 पर मिनट FHS. देन एट बर्थ 130 टू 150 पर मिनट. फर्स्ट ईयर 115 टू 130 पर मिनट. सेकेंड ईयर 100 टू 115 पर मिनट. थर्ड ईयर 90 टू 100 पर मिनट. 4 to 8 years, 86 to 90 per minute. 8 to 15 years, 80 to 86 per minute. Adult, 70 to 80 per minute. And old age, 60 to 70 per minute. The characteristics of pulse. First one is the rate of pulse rate. It is the number of beats per minute. The normal rate is 60. To 100 beats per minute. So the pulse rate means it is the number of beats per minute. Ek minute mein kitne beats hota hai isko pulse rate kehte hain. Normally 60 to 100 beats per minute hota hai. Then next is rhythm. It is the regularity of the beat. Beats kitne regularly aa rahe hain. Usually do beats ke beech mein jo time hai, that is time interval between two pulses equal. अगर इक्वल है तो उसको रेगुलर कहते हैं. इक्वल नहीं है तो उसको इरेगुलर कहते हैं. इरेगुलर कोई हार्ट कंडीशन कोई डिसीज वगैरह में इरेगुलर होता है तो वैसे नॉर्मल इंसान में जो रिदम है वो रेगुलर रहते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वॉल्यूम.
Volume denotes the fullness of the artery. It is the force of the blood felt at each beat. If there is blood loss, the volume may be less and the pulse may be weak or feeble. So in normal people, pulse will be full. Fullness of the artery. Heart rate कितनी full है? Normally full रहता है artery. उसमें normal people में the artery is full. कोई डिसीज कंडीशन है या ब्लड लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो गया, किसी वजह से ब्लड कम हो गया तो फीबल पल्स मिलने लगता है. अदरवाइज नॉर्मली इट इज फुल. नेक्स्ट इज टेंशन. टेंशन इट इज द डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द आर्टरी. इफ द आर्टरी इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस, द टेंशन इज हाई एंड इट इज लेस इफ ईजली कंप्रेसिबल. टेंशन का मतलब है कितने कंप्रेस कर सकता है एक आर्टरी को. आर्टरी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस दे रहे हैं तो इट इज, और इफ इट इज डिफिकल्ट टू प्रेस वी विल से द टेंशन इज हाई, हाई टेंशन में. अगर इजिली कंप्रेस हो रहा है तो उसको कहते हैं इट इज लेस टेंशन और लो टेंशन. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स. जब आप पल्स ले रहे होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक भी नोट करना चाहिए, वॉल्यूम रिदम टेंशन वगैरह भी रेट के साथ, पल्स रेट के साथ चेक करना है. हियर यू कैन सी द पल्स, पल्स साइट्स, द साइट वेयर यू कैन गेट ए पल्स. सो नंबर वन इज टेम्परल आर्टरी. सो बट दिस इज द एरिया ऑफ टेम्परल आर्टरी. सेकेंड इज कैरोटिड आर्टरी. दिस इज कैरोटिड आर्टरी साइट वेयर यू कैन गेट ए पल्स. And apical pulse from the apex of the heart. This is the apex of the heart. You can get a pulse here. Then brachial artery, just at the inner side of the elbow. And radial artery and ulnar artery at the wrist. This is the wrist. Then femoral artery. This is femoral artery at the groin. And popliteal artery just behind the knee, knee ke peeche. This is popliteal artery. And dorsalis pedis just above the foot. This is the position of the this one. This is dorsalis pedis. You can feel the pulse here. Dorsalis pedis and the posterior tibial. Posterior tibial is seen at the medial aspect of the leg. This is the posterior tibial, this one. Okay, so these are the sites of pulse. You can palpate the pulse. The same picture here, it is more clear. Carotid artery at the side of the neck, brachial artery at the elbow, radial and ulnar artery at the wrist, femoral artery at the groin, popliteal artery just behind the knee, or posterior tibial on the side of the leg, the medial side of the leg, and dorsalis pedis just above the foot. Now, how to locate these sites? I have told you which are the sites. How you can get the site? Temporal, at the side of the head, just above the ears. Ears just upper. जस्ट अबोव द ईयर्स, ये जो ईयर लोब है उससे थोड़ा से ऊपर करके जो हेड के साइड में टेम्परल आर्टरी पास होते हैं वहां से आपको टेम्परल पल्स मिलेगा. देन कैरोटिड एट द साइड ऑफ द नेक बिटवीन द लैरिंग्स एंड स्टेनोक्लेटो मास्टॉइड मसल. कैरोटिड आर्टरी जो है नेक का साइड में मिलेगा. कहाँ पर है? लैरिंग्स और स्टेनोक्लेटो मास्टॉइड जो मसल है उसका मिडिल पोर्शन में है, एट द mid point. Then apical pulse. Apical pulse at the apex of the heart. Apex of the heart guy located in the fifth left intercostal space, 1.25 centimeter lateral to the mid clavicular line. Apical pulse milta aapko at the fifth intercostal space. Fifth intercostal space mein thoda sa mid clavicular line se thoda sa lateral, 1.25 centimeter lateral. ओके, आपको एपिकल पल्स मिलेगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस.
Next is brachial pulse. Brachial pulse is located on the brachial artery, the inner side of the upper arm at the elbow. Elbow ke inner side mein aapko brachial artery milegi. Then radial pulse located on the radial artery. Radial artery mein milte hai. Kahan par hai radial artery? At the lateral aspect of the wrist. Wrist ka lateral aspect mein. Lateral aspect mein just below the thumb. Thumb है आपका उसके नीचे. Then ulnar pulse located on the ulnar artery at the medial aspect of the wrist. जहाँ पे आपको radial artery मिला थोड़ा से side में दूसरे side में करके ulna bone है उसके ऊपर से ulnar artery जाती है तो वहां पर आपको ulnar pulse मिल जाएगी. Next is femoral artery. Femoral artery is located on the femoral pulse is located on the femoral artery midway between the symphysis pubis and anterior superior iliac spine. Anterior superior iliac spine or symphysis pubis ko midway mein aapko femoral artery mil jayega, that is in the groin. Then popliteal artery. Popliteal artery is located in the popliteal pulse is located in the popliteal artery just behind the नीस. नीस के पीछे पोपलेटल आर्टरी पास होता है, वहां पे आपको पोपलेटल पल्स मिल जाएगी. देन पोस्टियर टिबियल लोकेटेड ऑन द पोस्टियर टिबियल आर्टरी. ये कहां मिलता है? पोस्टियर टिबियल आर्टरी में, वेयर इट इज मीडियल साइड ऑफ द एंगल 2 सेंटीमीटर इंफीरियर एंड 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर टू द मीडियल मालियोलस. मीडियल मालियोलस का इंफीरियर एंड पोस्टियर साइड में 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर to the medial malleolus. That is the posterior tibial side. Next is dorsalis pedis. Located on dorsalis pedis artery. E artery ka naam hai dorsalis pedis artery. At the top of the foot. Foot ka upper. Top of the foot slightly lateral to midline. Midline se thoda sa side mein karke aapko jo hai dorsalis pedis artery milegi. Wahan pe dorsalis pedis पल्स मिल जाते हैं. नाउ हाउ टू मेजर द पल्स. पल्स कैसे नाप लिया जाए? सो फर्स्ट मेथड है पाल्पेशन. फिंगर से पाल्पेट करके पल्स आप मेजर कर सकते हैं. देन ऑस्कल्टेशन. ऑस्कल्टेशन के लिए आपको स्टेथोस्कोप चाहिए होगा. एपिकल पल्स लेने के लिए स्टेथोस्कोप यूज करके हार्ट का एपिक्स में लगा के देखना है तो यू विल गेट द एपिकल पल्स. देन डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर्स आर आल्सो अवेलेबल. छोटे छोटे मशीन्स आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया सो पल्स ऑक्सीमीटर्स आर अवेलेबल. कई तरह का कई शेप का पल्स ऑक्सीमीटर्स अवेलेबल है. वो उसमें उसमें स्क्रीन लगी हुई है. स्क्रीन में आप फिंगर उसके अंदर लगा के रखो. यू विल गेट द पल्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द पल्स ऑक्सीमीटर. पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल और पल्स दोनों मिल जाएगा, इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं उसको. स्लाइटली प्रेस द फिंगर्स ऑन द एरिया लोकेट द एरिया ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पल्सेशन. देन प्रेस द फिंगर्स लिटिल मोर टू काउंट द पल्स. गेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स. सो क्या करना है पल्स लेने के लिए? थोड़ा सा प्रेस करके देखना है एरिया में, जहाँ जो एरिया भी बताया वहाँ पे तो, दो फिंगर लगा के आप पल्स जो है थोड़ा सा प्रेस करके देखना. अगर जहाँ पे सबसे ज्यादा क्लियर पल्स मिल रहा है वो एरिया में थोड़ा सा और प्रेस करके उसको काउंट करना है और उसका बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी फील करना है आपको. सो दिस इज द वे हाउ टू टेक द पल्स. इन दिस पिक्चर यू कैन सी पल्पेटिंग द पल्स. पल्स कैसे पल्पेट किया जाता है यू कैन सी वन बाय वन. ए दिस इज पल्पेशन ऑफ द टेम्परल आर्टरी एट द साइड ऑफ द हेड just above the ear. Second one is B, that is femoral artery at the groin. C is popliteal artery just at the back side of the knee. Then this is the fourth one is B, D, posterior tibial artery. This is at the medial side of the foot. Then comes this E. This is carotid artery at the side of the neck. This is the way it is palpated. Then the picture F, that is brachial artery, just inner side of the elbow. Elbow ke inner side mein ye aapko milega brachial artery.
बीपी वगैरह लेने के लिए इसको यूज करते हैं. देन जी दैट इज रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, दोनों इसी तरह पालपेट किया जाता है एट द रिस्ट. देन एच इज डोर्सालिस पेडिस, डोर्सालिस पेडिस इज जस्ट अबोव द फुट, फुट के ऊपर, तो मिड लाइन से थोड़ा सा लैटरल करके आपको मिलेगा डोर्सालिस पेडिस. सो इसी तरह हाथ लगा के इसी तरह पालपेट किया जाता है पर्स को. नेक्स्ट इज मेजरिंग द पिकल पर्स. मोस्ट एक्यूरेट पर्स इज एपिकल पर्स विच इज मेजर्ड बाय ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप इज यूज फॉर दिस. स्टेथोस्कोप यूज करके हार्ट का एपिक्स से डायरेक्टली पर्स लेते हैं, उसको एपिकल पर्स कहते हैं. और एपिकल पर्स सबसे एक्यूरेट पर्स है. ओके, सो एपिकल पर्स इज लोकेटेड एट द फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट मिड क्लाविकुलर लाइन. ये फोर्थ एंड ये पिक्चर देखो, इसमें मिड क्लाविकुलर लाइन बनाया हुआ है, एक लाइन यहाँ पे क्लाविकल का मिडिल से नीचे की तरफ डाला हुआ, इसको मिड क्लाविकुलर लाइन कहते हैं. इसी लाइन में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस और दो रिब के बीच में जो स्पेस, इसको इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं. सो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस यह नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एपिकल पर्स सबसे क्लियरली मिलेगा. बाकी जगह पे थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, सुनाई देगा, बट यहाँ पे सबसे क्लियर एपिकल पर्स सुनाई देते हैं. देन द इक्विपमेंट्स टू चेक पर्स, पर्स चेक करने के लिए ये पर्स ऑक्सीमीटर का पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे. दिस इज ए पर्स ऑक्सीमीटर रिकॉर्ड्स बोथ पर्स एंड ऑक्सीजन लेवल्स इन द बॉडी, बॉडीज का ऑक्सीजन लेवल और पर्स दोनों रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए उसको पर्स ऑक्सीमीटर कहते हैं. रीडिंग्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं इसके ऊपर डिस्प्ले किया हुआ है, स्क्रीन में डिस्प्ले किया हुआ है रीडिंग्स. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वाइटल साइन दैट इज रेस्पिरेशन. Respiration is the act of breathing, which includes intake of oxygen and removal of carbon dioxide. Respiration is regulated in respiratory center in medulla oblongata. Respiration is the act of breathing, where oxygen is taken in and carbon dioxide is given off. Oxygen, atmospheric oxygen, andar le lete hain, aur कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, रेस्पिरेशन में ही होता है. सो रेस्पिरेशन जो है रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर में. रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ लंग, मिडल ऑफ लंग में रेस्पिरेटरी सेंटर स्थित है. असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, असेसमेंट इज डन बाय वॉचिंग द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट और एब्डोमेन इन चिल्ड्रन. असेसमेंट रेस्पिरेशन का असेसमेंट करने के लिए आप चेस्ट वॉल मूवमेंट या एब्डोमिनल वॉल मूवमेंट काउंट कर सकते हैं. दैट कैन बी काउंटेड बाय जस्ट वॉचिंग द चेस्ट वॉल और जस्ट फीलिंग इट विद योर पाम, पाम जो है चेस्ट वॉल पे लगा के आप फील भी कर सकते हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं कि नहीं, उसको काउंट कर लेना. पेशेंट को रेस्ट, रेस्टिंग कंडीशन, पेशेंट शुड बी टेकिंग रेस्ट वाइल टेकिंग द respiration. When you take the temperature, you can check pulse and respiration also. Temperature लेने के time में respiration count करने के लिए specially जाने की जरूरत नहीं. When you are taking temperature, at the same time you can count the pulse and respiration also. साथ साथ ये कर सकते हैं. रेस्पिरेशन इज काउंटेड फॉर 1 मिनट, पूरा 1 मिनट के लिए रेस्पिरेशन काउंट कर लेना चाहिए. नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज 16 to 20 मिनट, 16 to 20 पर मिनट है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट. 1 मिनट में 16 to 20 ब्रीथ्स लेते हैं नॉर्मल अडल्ट. ऑब्जर्वेशंस, वेल चेकिंग द रेस्पिरेशन ऑफ द पेशेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन should be made. First one is rate of respiration, rate of respiration देखना, regularity and rhythm of respiration, easiness of respiration, movement of muscles of chest, nose and abdomen, position of client during breathing. तो कितने rate मतलब कितने respiration लेता है 1 मिनट में, that is rate.
रेगुलरिटी, रेगुलरली ब्रीदिंग, इसका जो दो ब्रीदिंग के बीच में जो टाइम है वो रेगुलर सेम है या नहीं, दैट इज रेगुलरिटी, सेम है तो रेगुलर कहते हैं। देन ईजीनेस ऑफ रेस्पिरेशन, पेशेंट आसानी से ब्रीदिंग कर सकते हैं कि नहीं ये देखना है। मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स ऑफ चेस्ट एंड नोज एंड एब्डोमेन देखना है, बहुत ज्यादा डीप मूवमेंट तो नहीं है, एफर्ट करके मूवमेंट कर रहे हैं या मूवमेंट में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है ये देखना है। देन पोजिशन ऑफ क्लाइंट, पेशेंट ब्रीदिंग करने के टाइम में क्या पोजिशन ले रहे हैं, आराम से ब्रीदिंग कर रहे हैं या पेशेंट बैठ के कर रहे हैं, या पेशेंट को कोई स्पेशल पोस्चर तो नहीं ले रहे ब्रीदिंग करने के टाइम में। कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाले पेशेंट है तो वो बैठ के स्टूपिंग पोजिशन में, कई पोजिशन में बैठ के ब्रीदिंग कर सकते हैं। सो यू हैव टू सी द पोजिशन ऑफ द पेशेंट वाइल ब्रीदिंग। यू विल सी द रेस्पिरेटरी रेट एट डिफरेंट एज ग्रुप्स। न्यूबॉर्न the respiration is 40 to 60 breaths per minute, less than 1 year 30 to 40, 1 to 2 years 25 to 35, 2 to 5 years 25 to 30, 5 to 12 years 20 to 25, 12 to 18 years 15 to 20, adults 16 to 20, old age 10 to 24 breaths per minute. Now we will see the characteristics of breathing. First characteristic is rate. Rate is the number of full respirations per minute. 1 minute mein kitne respirations hota hai, that is the rate of respiration. Normal rate for an adult is 16 to 20 breaths per minute. Next is rhythm. In a normal respiration, the rhythm is regular, but critically ill patients may have irregular respiration. Normal patient may regular rhythm hoti hai. Rhythm is the difference between two respirations, that is equal in normal case. Depth of breathing. A normal man inspires and expires for 100 ml of air. If more than 500 ml passes in and out of lungs, respiration is considered as deep. If the amount is less than normal, the respiration is said to be shallow. Respiration, normal respiration 500 ml अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। अगर 500 ml से ज्यादा एयर ले रहे हैं तो उसको डीप रेस्पिरेशन कहते हैं। 500 से कम है, it is called shallow respiration. Next characteristic है easiness of breathing. A normal person breathes easily. If not, it is called labored breathing or breathing difficulty. Normally, आराम से breathing ले रहे होते हैं हर कोई। अगर easily respiration नहीं ले पा रहे, उसको कहते हैं labored breathing or difficult breathing. Next is abnormal respirations. Tachypnea increases the respiratory rate over 24 breaths per मिनट। 24 ब्रेस पर मिनट से ऊपर आ गया तो इसको टैकिपनिया कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्राडिपनिया, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट ऑफ लेस देन 10 ब्रेस पर मिनट। 10 ब्रेस से भी कम ले रहे हैं तो उसको ब्राडिपनिया कहते हैं। देन एपनिया, टोटल सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। एपनिया का मतलब है कंप्लीट स्टॉप हो गया ब्रीदिंग, कोई ब्रीदिंग नहीं ले रहा, दैट इज एपनिया। देन हाइपरपनिया, इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। हाइपरपनिया में बहुत ही डीप रेस्पिरेशन ले रहे हैं, दैट इज हाइपरपनिया। ऑर्थोपनिया, क्लाइंट कैन ब्रीथ ओनली इन सीटिंग पोजीशन। एक पेशेंट जो है बैठ के ही रेस्पिरेशन ले पा रहे हैं, ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, दैट इज ऑर्थोपनिया। वी विल कंटिन्यू विद द एबनॉर्मल रेस्पिरेशंस। नेक्स्ट इज स्ट्राइडर। स्ट्राइडर क्या होता है, शार्प वाइब्रेटिंग श्रिल साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के साथ एक शार्प श्रिल साउंड आ जाते हैं और वाइब्रेटिंग टाइप का साउंड आ जाते हैं, इसको कहते हैं स्ट्राइडर। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस है तो ये स्ट्राइडर आती है। देन रेल, रैटलिंग और बबलिंग ऑफ साउंड। बबलिंग साउंड आ रहा है तो उसको रेल कहते हैं। एयरवे में अगर म्यूकस है तो ये साउंड आती है। नेक्स्ट इज वीस, द हाई पिच्ड म्यूजिकल विस्लिंग साउंड वाइल ब्रीदिंग सीन विथ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर ब्रोंके एंड ब्रोंकियोल्स। सो वीस क्या होता है, हाई पिच म्यूजिकल विस्लिंग साउंड आ जाती है
breathing is seen with partial obstruction of smaller bronchi and bronchial. Bronchi and bronchial, smaller bronchi and bronchials का partial obstruction है तो wheezing sound आ जाती है. Next abnormal respiration is chain strokes respiration. Series of respirations that gradually become deeper and noisier until a climax is reached, then a pause occurs and the cycle is repeated. Chain stroke respiration में patient deeply रेस्पिरेशन लेने लगता है, धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे, वो आवाज भी बढ़ते जाएंगे, एक क्लाइमास तक पहुंच जाता है. उसके बाद एक पोज आ जाता है, कोई रेस्पिरेशन नहीं लेता, पोज में आ जाता है पेशेंट. उसके बाद फिर से ये पैटर्न रिपीट हो जाती है, इसको कहते हैं चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज डिस्निया, डिफिकल्ट और लेबर्ड ब्रीदिंग, मुश्किल से ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसको कहते हैं डिस्निया. Then cyanosis, blueness or discoloration of the skin and mucous membrane due to lack of oxygen in tissues. Tissues में oxygen की कमी होने की वजह से blue discoloration आ जाता है skin और mucous membrane में, इसको cyanosis कहते हैं. Anoxia और hypoxia, lack of oxygen in the tissues. Tissues में oxygen कम है तो उसको anoxia या hypoxia कहते हैं. Next is anoxemia और hypoxemia. Blood में oxygen कम है तो इसको अनोक्सीमिया कहते हैं या हाइपोक्सीमिया कहते हैं. ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड, जो ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर से सर्कुलेट कर रहे हैं उसका प्रेशर है ब्लड प्रेशर. वो प्रेशर जो है वो अपने वॉल्स में अप्लाई करते रहते हैं, इसको हम नापते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, दो तरह का प्रेशर होती है ब्लड का, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब जो प्रेशर आता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. डायस्टोलिक प्रेशर होता है, इट इज द प्रेशर ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करते हैं उस टाइम में भी कुछ प्रेशर रहता है, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक. एवरेज बीपी, average bp of healthy adult is 120 over 80 mm of sha, millimeter of sha. This average, jo normal average hai 120 over 80 mm of sha. Systolic pressure 150 or below 90 is considered abnormal. Systolic pressure ka range jo hai, that is 150 90 to 150, 90 se niche jaye ya 150 se upar jaye systolic pressure, that is abnormal. Then diastolic pressure जो है उसका range है 60 to 90, इससे ऊपर या नीचे गया तो उसको abnormal कहते हैं. Blood pressure more than 140 over 90 millimeter Hg is considered as hypertension. Blood pressure 140 over 90 और या उससे ऊपर गया तो उसको hypertension में include किए जाते हैं. And more than 180 over 110 mm Hg is considered hypertensive crisis. अगर BP जो है 180 over 100 mm Hg या उससे ऊपर है तो उसको वक्त पे hypertensive crisis कहते हैं उसको. Pulse pressure, it is a difference between systolic and diastolic pressure. Systolic and diastolic pressure का भी जो difference है उसको pulse pressure कहते हैं. Pulse pressure 40 mm Hg is normal. 40 mmHg normally इसका डिफरेंस रहता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का, वो नॉर्मल है. मोर देन 40 मिलीमीटर ऑफ एचजी इज वाइड एंड पल्स प्रेशर एंड लेस देन 30 मिलीमीटर ऑफ एचजी इज नैरोड पल्स प्रेशर. Next is measurement of BP. BP can be measured directly, that is invasive procedure. Invasive, that is intra-arterial invasion. Invasive blood pressure, that is IBP. That is called arterial line. Arterial line is used in ICUs, OT, in case of critical respiratory diseases, etc. So, in critical cases, mein patient ko IBP use karte hain. या फिर ओटी वगैरह सर्जरी के लिए भी ये यूज किया जाता है.
एक्सिस इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग बीपी, इनडायरेक्ट मेथड को नॉन इन्वेसिव मेथड भी कहते हैं। ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक है ऑस्कल्टेटरी मेथड जिसमें स्टेथोस्कोप यूज करके जो बीपी का पल्सेशन से वो सुन सुन लेते हैं, या फिर पाल्पेटरी मेथड। पाल्पेटरी मेथड में अपने फिंगर से पाल्पेट करते हैं बीपी अपार्टस का कफ बांध के फिंगर से पाल्पेट करते हैं, दैट इज पाल्पेटरी। एक मर्क्यूरी स्फिग्मा मैनोमीटर है, स्फिग्मा मैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेक बीपी। इसका सबसे नीचे एक फ्रंट लोक है और कनेक्टिंग ट्यूब से वॉशर सेट कहते हैं। देन एक मर्क्यूरी कॉलम है, मर्क्यूरी टैंक, देन रबर ट्यूबिंग्स, ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर मर्कुरी रेस होती है, देन स्केल है जो मर्कुरी जो ग्लास ट्यूब का दोनों साइड स्केल लगी हुई है ताकि आप रीडिंग पढ़ सकें, देन सबसे ऊपर एक ग्लास लोक दिया हुआ है मर्कुरी स्पिल आउट ना हो। और सबसे दिस आर द पार्ट्स ऑफ द स्फिग्मा मैनोमीटर। नेक्स्ट डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर मेजरिंग बीपी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो है उसको यूज करना बड़ा आसान है, इसमें पिक्चर में दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक स्क्रीन लगी हुई है इसमें डिस्प्ले होती है बीपी जो है। सो इसको चार्ज करना होता है इधर इलेक्ट्रिसिटी से, बैटरी से चार्ज करना होता है। उसके बाद उसका कफ है, कफ जैसे मर्कुरी थर्मामीटर का बांधा उसी तरह बीपी साइड में उसको बांधना है। इट हैज टू बी टाइड ऑन द साइड टू टेक बीपी, देन रिलीज इट एंड इन्फ्लेट द कफ फर्स्ट एंड स्लोली रिलीज इट एंड जस्ट वॉच द स्क्रीन, द बीपी विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, you need not count it. Next है एंड्रॉइड सिग्मा मैनोमीटर। ये सेफ है, इसमें मर्कुरी यूज नहीं होता। एंड्रॉइड सिग्मा मैनोमीटर्स आर डिवाइड ऑफ मर्कुरी एंड डोंट नीड टू नीड ए फ्लैट सर्फेस फॉर मेजरमेंट। इसको एक फ्लैट सर्फेस में रखने की जरूरत नहीं है, हाथ में पकड़ सकते हैं या कहीं अटैच करके रख सकते हैं इसको। देन इट इज कम्पोज ऑफ इनफ्लेटेबल कफ to collapse and then release the artery under the cuff in controlled manner to measure the pressure. ये सेम वे इसको कफ को बांधना है अपने हाथ में, पेशेंट के हाथ में, और उसको स्लोली रिलीज करना है। और डायल होता है उसको, उसमें जो है कितने प्रेशर मिल रहा है उसको नोट करनी है। Unrolled sphygma manometer parts are given in this picture. This is the dial of the sphygma manometer. There is a dial and a pump to pump air into the cuff. And this is a cuff to tie on the limb on the hand of the patient. And there is a valve to control the pumping action. So these are the parts of the anaerobic sphygma manometer. Different cup sizes given here. For small children, small cup should be used. So according to the size of the hand, the cup size should be used. Width of the cup bladder should be 40% of the circumference of the midpoint of the limb. जो भी limb में, हाथ में या पैर में, जहाँ भी आप use कर रहे cup, वो जो limb है जहाँ पे आप use कर रहे हैं उसका, उस limb का जो सर्कम्फरेंस है, मिड पॉइंट का सर्कम्फरेंस है, उसका 40% विड्थ होना चाहिए कफ का। द ब्लड प्रेशर साइड्स आर गिवन हियर। रेडियल आर्टरी जस्ट अबव द रिस्ट, जस्ट टाई द कफ अबव द रिस्ट। देन सेकंड इज डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, सो टाई द कफ above the malleolus, and brachial artery, tie the cuff
just above the elbow and popliteal artery. Tie the cuff just above the knee. So these are the sites of blood pressure. ब्लड प्रेशर लेने के साइड से ये दिया हुआ रेडियल आर्टरी है, डोर्सालिस पेडिस आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी, पॉपलिटल आर्टरी है। ये आर्टरी जहाँ पर है उसका थोड़ा सा ऊपर करके कफ बांधना है। रेडियल आर्टरी से लेना है तो रिस्क के ऊपर, देन डोर्सालिस पेडिस आर्टरी से लेना है तो जो मालियोलस है जो फीट में उसके ऊपर बांधना है, उसके जस्ट अबोव द मालियोलस। एंड ब्रेकियल आर्टरी के लिए बांधना है कफ एल्बो के थोड़ा ऊपर करके। एंड पॉपलिटल आर्टरी के लिए जो नी है, जॉइंट है नी का, थोड़ा ऊपर करके बांधना है ताकि अच्छा सा पालपेट कर सके जो आर्टरी है और उसको मेजर करने में आसान हो जाए। यहाँ स्टेथोस्कोप पार्ट दिया हुआ है, ईयर टिप्स जो ईयर के अंदर लगाते हैं, देन ओरल ट्यूबिंग्स, ईयर टिप्स से जो ट्यूबिंग आते हैं इसको ओरल ट्यूबिंग्स कहते हैं, हेडसेट, देन द ट्यूबिंग, एंड एट द अदर एंड देयर इज डायफ्राम, द फ्लैट सरफेस इज डायफ्राम, एंड दिस इज द बेल हियर, एंड बेल एंड द चेस्ट पीस। सो दीस आर द पार्ट्स ऑफ द स्टेथोस्कोप। एवरेज बीपी दिया हुआ है यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप का, न्यूबॉर्न का 75 ओवर 55 mmHg, 6 टू 9 इयर्स का 90 ओवर 55 मिलीमीटर पर एचजी, 10 टू 15 इयर्स 100 ओवर 65 मिलीमीटर पर एचजी, 16 टू 20 इयर्स दैट इज अप टू एडल्टहुड 118 टू 76 मिलीमीटर पर एचजी, एंड एडल्ट्स बीपी इज 120 और 80 मिलीमीटर एचजी। नाउ हाउ टू मेजर द बीपी, जैसे पिक्चर में दिया हुआ इसी तरह कफ बांधना है, ये एल्बो के ऊपर कफ बांधा हुआ है। आर्टिकल्स स्फिग्मा मैनोमीटर चाहिए, तो स्टेथोस्कोप चाहिए, पीस एंड पेपर एंड पेन और उसको नोट करने के लिए। प्रिपरेशन है, पेशेंट को एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, प्लेस द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजिशन, client should be resting at 5 to 10 minutes prior to taking BP. Patient को comfortable position में बैठाना, explain करना procedure, और BP लेने के पहले patient भाग के आया हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा rest करने के बाद 5-10 minutes आराम से बैठने के बाद ही BP लेना ताकि correct reading मिले। Measuring the BP, wash hands, apply deflated cuff over the brachial artery, palpate the brachial artery with fingertips, close the valve on the pump by turning the knob clockwise. Hand washing करके deflated cuff को brachial artery के above ऊपर बांधना है। Brachial artery palpate करना है fingertips से, close the valve, valve को close करना है pump clockwise 10 करके, valve को close करना है। एंड और उसके बाद धीरे धीरे से वाल्व को ओपन करनी है, ओपन द वाल्व स्लोली बाय टर्निंग द वाल्व एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके, कंटिन्यू टू रिलीज द प्रेशर स्लोली, धीरे धीरे से प्रेशर रिलीज करना, और नोट द नंबर ऑन द मैनोमीटर वेयर द साउंड फर्स्ट बिगिंस, जिस एरिया में जिस पॉइंट पे साउंड सबसे पहले सुनाई देते हैं उस पॉइंट को नोट करनी है, दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर। यू कैन हियर द साउंड बाय स्टेथोस्कोप एंड दैट इज द, और इन इफ पल्पेटरी मेथड यू कैन पल्पेट द आर्टरी। We'll continue with measuring of the BP. So continue to release the pressure slowly and note the point on the manometer where the sound says this is a diastolic pressure. Allow the air to escape and mercury to fall zero.
wait for 1 minute with the cup deflated. धीरे धीरे प्रेशर छोड़ते रहना और जहाँ पे पल्सेशन बंद हो जाती है वो पॉइंट नोट करना, दैट इज द डायस्टोलिक प्रेशर. कफ डिफ्लेट करके 1 मिनट वेट करना. उसके बाद इफ रिपीट द प्रोसीजर इफ देर इज एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है रीडिंग में तो 1 मिनट के बाद रिपीट करना. इसी तरह आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकता एक आर्म में. देन डू नॉट टेक प्रेशर ब्लड प्रेशर मोर देन 3 times इन सक्सेशन ऑन द सेम आर्म. असिस्ट द पेशेंट एंड कीप हिम इन कम्फर्टेबल पोजिशन. रिप्लेस द आर्टिकल्स. पेशेंट को कम्फर्टेबल पोजिशन में रखना, उसके बाद बैठा देना, उसके बाद आर्टिकल्स जो है उसको रिप्लेस करना. वॉश हैंड्स, आपका हाथ हैंड वॉशिंग करके रिकॉर्डिंग करना. जो रीडिंग आपको मिला और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पल्स का, ये रिकॉर्ड करनी है. सो टू कंक्लूड द टॉपिक, वी हैव कम टू एन एंड टू द टॉपिक. वी हैव डिस्कस्ड टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी, इट्स ओल्ड एंड न्यू टेक्निक्स, the new instruments and old instruments, how it is being used, normal range, etc. And I hope all of you understood the class. If you have any doubts, you can ask me. I'll explain the things further. Okay, thank you very much for listening.